नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन टेक। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने टेक्नोलॉजी की तमाम बेहतरीन खबरें लेकर। मैं आज बात करूंगा सिम की। जी हाँ, जिस तरीके से सिम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में सिम लगाते हैं, तो जिस तरीके से अब नई बात खबर सामने आ रही है कि बिना सिम बदले आपको मोबाइल कंपनी नंबर देगी। डॉट ने ई सिम को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार आज पूरा हम देख रहे हैं कि कई लोग एक एक मोबाइल में तीन तीन सिम यूज़ करते हैं, तो ऐसे में कई नंबर बदलने होते हैं, उस चीज़ की दिक्कत ख़त्म कर दी है। अब डॉट ने ई सिम की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, इस पर पूरी खबर को मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या है मामला। जिस तरीके से सरकार ने ई सिम की शुरुआत को मंजूरी दे दी है, इसके बाद अब मोबाइल कनेक्शन लेने वालों को हर बार सिम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, सरकार के इस कदम के बाद अब आपको नया सिम लेना हो तो जिस तरीके से हमने देखा है कि जब लोग सिम खरीदने जाते हैं तो नया नंबर लेते हैं, तो ऐसे में सरकार ने एक कदम उठाया है कि अब आप नया सिम लेंगे ज़रूर, लेकिन कनेक्शन लेने नया सिम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नया कनेक्शन लेते वक्त डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एम्ब्रॉयडेड सिम्स ई सिम की इजाज़त दे दी है, एम्बेडेड सिम की इजाज़त दे दी है। ये सिम हैंडसेट में ही लगा होगा जिसको कनेक्शन लेने के बाद सर्विस प्रोवाइडर अपडेट कर देगा। यही नहीं, जब ग्राहक सर्विस बदलेगा तो नई मोबाइल कंपनी उस सिम को अपडेट कर देगी और बिना सिम बदले ही फ़ोन चालू हो जाएगा। इसके अलावा डॉट ने अब ग्राहकों के लिए सिम की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी है, अभी तक ये 9 थी। जी हाँ, ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, सिम से मुतालिक ये खबर है। जिस तरीके से हमने देखा है कि इस वक्त सिम जो है वो काफ़ी तरीके से, इस वक्त हम कह सकते हैं कि सिम को लेकर लगातार चीज़ें हैं कि सिक्योरिटी पर्पज़ से भी हम कह सकते हैं, या फिर कनेक्शन को लेने के वक्त भी हम थोड़ा सा काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं कि हम जो नंबर ले रहे हैं वो किस तरीके का है। तो अब ऐसे में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कहा है कि अब आप मोबाइल कनेक्शन ले रहे हैं तो हर बार सिम लेने की ज़रूरत नहीं है, सिम में मोबाइल में ही सिम लगा होगा और जिस तरीके से ये सिम हैंडसेट में लगा होगा जिसको कनेक्शन लेने के बाद सर्विस प्रोवाइडर रिटेल अपडेट कर देगा। यही नहीं, जब ग्राहक सर्विस बदलेगा तो नई मोबाइल कंपनी उस सिम को अपडेट कर देगी और बिना सिम बदले ही फ़ोन शुरू हो जाएगा। ये सरकार ने कदम उठाया है। इसके अलावा डॉट ने ग्राहकों के लिए सिम संख्या बढ़ाकर 18 कर दी है, जो पहले 9 थी, यानी पहले अब आप 9 सिम ले सकते थे लेकिन अब 18 कर दिए। जो नई तकनीक को मंजूरी दी गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डॉट ने नई तकनीक एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यानी ई सिम को मंजूरी दे दी है। इसके बाद सिंगल और मल्टीपल प्रोफाइल यूज़ वाले सिम जारी किए जा सकेंगे, ग्राहक अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं डॉट ने, इसके लिए जो गाइडलाइन जारी की है वो आपको बता रहा हूँ। ये गाइडलाइन रिलायंस जियो भारतीय एयरटेल के बीच एप्पल वॉच और विवाद के 5 दिन बाद जारी की गई है। एप्पल वॉच इसी तकनीक के साथ आई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में कि एप्पल वॉच मार्केट में आ गई है। इस वॉच को इस्तेमाल करने वाले अब बिना सिम बदले मोबाइल चेंज कर सकेंगे। जी हाँ, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों हमने देखा कि एयरटेल भारती और एप्पल वॉच के विवाद हुआ था, उसके 5 दिन बाद इस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई हैं। एप्पल जिस तरीके से इस वॉच को इस्तेमाल करने वाले, जो एप्पल की वॉच है, अब बिना सिम बदले आप मोबाइल चेंज कर सकेंगे। इन सिम में प्रोफाइल अपडेट होगा, ई सिम में प्रोफाइल अपडेट होगा, जो इसमें जो सबसे बड़ा जो काम होगा वो अपडेट प्रोफाइल का होगा। डॉट ने ई सिम में प्रोफाइल अपडेट करने की सुविधा दे दी है। ये सुविधा वाया एयर मिलेगी, यानी ग्राहक को मोबाइल कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे यूज़र की डिवाइस भी टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं जान पाएगा। और साथ ही साथ अब जो खबर है वो ये है कि अब 18 सिम ले सकेंगे ग्राहक। डॉट ने अपने ग्राहकों को सिम लेने की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी है, अभी तक ये 9 थी। 9 सिम ग्राहक स्लॉट वाले फ़ोन के लिए ले सकेगा और 9 सिम M2M कम्युनिकेशंस के लिए ले सकेगा। जी हाँ, ये सरकार ने जो है जारी की है और ये
एक बड़ी खबर है कि अब आप 9 के बजाय 18 सिम ले सकते हैं। बहरहाल जो मैंने आपको ये जानकारी दी है, ये जानकारी है, और साथ ही साथ जो दूसरी सबसे बड़ी वो है, जो हमने देखा है कि सिम को लेकर जिस तरीके की चीज़ें हैं वो अलग हो जाती हैं थोड़ी सी, और जिस तरीके से सिम को लेकर जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है वो भी अपने आप में अलग हो जाती हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि सरकार की इस गाइडलाइंस के लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या आगे इसमें होता है, बहरहाल वो आगे के हो जाएगा। बहरहाल अब आगे की खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब है एयरटेल की, मैं आपको बता देता हूँ कि एयरटेल के ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर आ गया है। अमेजॉन दे रहा है 2600 रुपए का कैशबैक। जी हाँ, एयरटेल और अमेजॉन इंडिया ने 4G स्मार्टफोन को लेकर पार्टनरशिप का ऐलान किया था। टेलको जिस तरीके से स्मार्टफोन की पहल के तहत इस पार्टनरशिप के दोनों कंपनियों के बीच किया गया है। इसके जरिए अब यूजर्स अमेजॉन पर 2600 रुपए का कैशबैक ले सकते हैं, जिसमें 63 अमेजॉन एक्सक्लूसिव 4G स्मार्टफोन शामिल हैं। उसमें सैमसंग, वन प्लस, शाओमी, ऑनर, LG और मोटोरोला जैसे स्मार्टफोन्स शामिल हैं। ऑफर क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस ऑफर के तहत स्मार्टफोन खरीदने वालों को एयरटेल की तरफ से 2000 रुपए का कैशबैक मिलेगा, जो 36 महीने के लिए होगा। हालांकि बचे 600 रुपए का कैशबैक यूजर्स एयरटेल के 169 रुपए के रिचार्ज पर मिलेगा। ऑफर के तहत आपको अमेजोन की वेबसाइट पर डाउन पेमेंट कर एक 4G स्मार्टफोन खरीदना होगा। इस ऑफर के तहत आने वाले सभी स्मार्टफोन्स को अमेजोन ने अपनी वेबसाइट पर एक सूची में डाल दिया है। 500 रुपए का डिस्काउंट जो रिफंड इंस्टॉलमेंट पाने के लिए यूजर को सबसे पहले 3500 रुपए का एयरटेल रिचार्ज जिस लेने होंगे, जो यूजर्स स्मार्टफोन को खरीदने के 18 महीने के अंदर ले सकते हैं, तो वहीं बाकी 3500 रुपए के रिचार्ज के अगले 15 महीनों या 18 महीनों के अंदर लिया जा सकता है, जिसमें आपको 1500 रुपए का दूसरा रिफंड इंस्टॉलमेंट मिल सकता है। इसके बाद आपका कुल कैशबैक 2000 रुपए का हो सकता है। 600 रुपए के एडिशनल कैशबैक के लिए यूजर्स को 169 रुपए के 24 रिचार्जेस करवाने होंगे। ये सब कुछ अमेजॉन प्लेटफॉर्म पर करना होगा। 600 रुपए पर यूजर्स को 25 रुपए का कैशबैक मिलेगा, जो यूजर्स पे बैलेंस हर महीने आपकी जो वैलिडिटी है उसमें 24 महीनों के लिए होगी। और साथ ही साथ 169 रुपए के रिचार्ज पर ग्राहकों को अनलिमिटेड लोकर और STD कॉल्स मिलेंगे, तो वहीं हर दिन 1 GB डेटा भी इस प्लान में मिलेगा। साथ ही साथ इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 28 दिनों के लिए होगी। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये ऑफर कौन कौन से फोन्स पर है, तो जिन स्मार्टफोन्स पर ऑफर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन फोकस टर्बो 5, सैमसंग 15 प्रो, रेडमी Y1 लाइट 10 और D, लेनेवो K8 नोट और LG Q6, ऑनर 7X, MI Max 2, मोटो G5S प्लस, सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम, कूल प्ले 6, नूबिया Z17 और मिनी OnePlus 5T, LG और V30 प्लस। ये सारे फोन्स हैं जिन पर ये ऑफर कैशबैक ऑफर मिल रहा है, तो आप इसके ज़रिए ले सकते हैं। बहरहाल जिस तरीके से अमेज़ॉन पर लगातार एयरटेल अपने बेहतरीन से बेहतरीन कैशबैक के ऑफ़र दे रहा है, और जिस तरीके से चीज़ें हमने देखेंगे 13 तारीख से और 16 तारीख के बीच जो सेल चली उसमें भी काफ़ी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर काफ़ी बड़ी सेल लगी थी और उस पर काफ़ी बिक्री भी हुई। बहरहाल जिस तरीके से मैंने आपको जो खबर दी है कि सिम को लेकर और इस एयरटेल के कैशबैक ऑफर को, के मोबाइल बिना सिम बदले आप कंपनी का नंबर नहीं बदल सकते, आप डॉट ने ये सिम की मंजूरी दे दी है, और साथ ही साथ एयरटेल का ये शानदार ऑफर जो मैंने आपको बताया अमेजोन पर जो 2600 रुपए का कैशबैक था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें जो मैंने आपको रूबरू कराया, और ऐसे ही बड़ी और बेहतरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमसे जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें साथ ही, और लाइक करें, शेयर करें। हम जिस तरीके से लगातार आप तक टेक्नोलॉजी की हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, और लगातार हमें अपनी राय दें, जिस तरीके से आप हमें राय दे रहे हैं उसके मुताबिक हम आपको वो खबर देने की कोशिश कर रहे हैं।
हम कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की हर एक खबर हमारे चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचे, क्योंकि हमारा मकसद आप तक टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना है। जिस तरीके से आज टेक्नोलॉजी का वक्त है और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमें टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना हमारे लिए और आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं फिर हाजिर होऊंगा नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 टेक। नमस्कार।